बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल कोफ्तों की रेसिपी लेकर आया हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते सिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे टूट भी नहीं रहे। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, आप उसे भी फॉलो करें और बिल्कुल एकदम से कोफ्ते हमारे टूटेंगे भी नहीं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। जिस जिस के लिए भी आप ये बनाएंगे वो आपके फ़ैन होने वाले, घर वाले भी खुश, मेहमान भी खुश, दावत भी आपकी हो जाएगी। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बीफ का मीट ले लिया जिसे मैंने घर में अपने बुच्चर से दो तीन मतलब मशीन से निकलवा ले। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए और ये देखें। और इसमें मैंने फेक भी ऐड किया। चर्बी डालने के दो फायदे बल्कि तीन फायदे, एक तो कबाब हमारे सॉफ्ट बनेंगे, दूसरी इसकी अच्छी बाइंडिंग होगी और तीसरे कबाब हमारे टूटेंगे नहीं। आप चर्बी ज़रूर डालिएगा, अगर फिर भी पसंद नहीं है तो स्किप कर। ये देखिए, यहाँ एक हम अंडा लेंगे एक अदद, और यहाँ मैंने तीन मीडियम साइज़ के प्याज है जिसे मैंने बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है, चार हरी मिर्च, और यहाँ हम अदरक का एक टुकड़ा लेंगे बिल्कुल, ये देखिए मैंने इतना साइज़ का ले लिया, पाँच से छः लहसुन की कलियाँ साबित, चार टेबल स्पून बेसन, और यहाँ हम दो टी स्पून लेंगे पुदीने के पत्ते और दो टी, और इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, एक टेबल स्पून बादाम का पाउडर, एक टीस्पून नमक, एक टेबलस्पून लाल मिर्चा का पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मिसाला और एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बादाम का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना हो तो स्किप करें, लेकिन इससे एक अच्छी रिचनेस और अच्छी बाइंडिंग होगी, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक चॉपर मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा लहसुन और अदरक, ये मैं साबित ही ऐड करता हूँ, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, और अब मैं इसी के साथ ऐड करूंगा प्याज। और अब मैं इसे पीस लूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें, इसे मैंने चॉप कर लिया। अभी मैं सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगा कीमे के अंदर। ये देखिए, अब मैं इसी के साथ ये सारे मसाले ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा बेसन, और अब मैं इसी के साथ ऐड करूंगा एक अदद अंडा। या तो आप हाथ अच्छे से वॉश कर ले या ग्लव्स पहन ले, लेकिन मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर ले। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा, और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिएगा, इससे भी एक इसकी अच्छी बाइंडिंग होगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगा अभी इसे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चले अब मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाते। ये देखिए, और अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि कोफ्ते बनाते वक्त हाथ में नहीं चिपके, या पानी लगा या ऑयल, लेकिन मैं ऑयल लगा रहा हूँ। और ये देखिए, कोफ्ते में कहीं क्रेक नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, एक कोफ्ता मैंने बना लिया, और ये देखिए कहीं क्रेक नहीं है। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगा। ये देखिए, सारे कोफ्ते मैंने बना लिए, रख देते इसको एक साइड में और चलते ग्रेवी की तरफ। यहाँ देखिए, एक वोक मैंने चूल्हे पर रख दिया है, और चूल्हे को सबसे पहले मैं ऑन कर देता हूँ मीडियम पे, और अब मैं इसी के साथ ऐड करूँगा 3/4 कप ऑयल, क्योंकि और रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बना रहा हूँ तो इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसलिए मैं 3/4 कप ऐड कर रहा हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं। ये देखिए, 3/4 कप ऑयल मैंने डाल दिए, और अब मैं इसी के साथ ऐड करूंगा 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा सोटे करूंगा इसके लिए। और अब मैं इसी के साथ ऐड करूंगा 1 कप तली हुई प्याज। यहाँ मैं रेडीमेड यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास ना तो 2 मीडियम साइज के प्याज ले लें और उसे इस तरह गोल्डन ब्राउन कर लें। और अब मैं इसी के साथ ऐड करूंगा थोड़ा सा पानी, और अब मैं इसे अच्छी तरीके से भून लूंगा, और अब देखें इसी के साथ मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूंगा और इसे भून लूंगा अच्छी तरीके से। ये देखें, इसे मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया था थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और अब मैं इसी के साथ ऐड करूंगा कुछ स्पाइसेस, जो कि कुछ यूं हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ना हो तो स्किप करें, और 1 टीस्पून बादाम का पाउडर, 2 टीस्पून कोकोनट खोपरे का पाउडर,
एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। ये सारे मसाले चले गए। मसालों के साथ हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे क्योंकि मसाला हमारा चलेगा, थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुना, तो ये देखें तेल एक दम से ऊपर आ गया सरफेस पर, ये देखें। और अब मैं इसी के साथ ऐड करूँगा, ये देखें 1 कप फुल भर के दही में यहाँ ले रहा हूँ, ना ज़्यादा खट्टा ना मीठा। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। ये देखिए पहले दही को फेंट लूँगा एक ही डायरेक्शन में। ये देखिए दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया, अब मैं सारे में मिक्स कर लूँगा अच्छी तरीके से। आप मसाला को भी भून भून के बनाएं। और अब मैं इसको इतना भून लूँगा कि तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। ये देखें तेल हमारा अच्छी तरीके से सरफेस पर आ चुका है। और ये देखें मसाले भी हमारा अच्छी तरीके से भून गए, ये देखें अच्छे से लिपट चुका है। इसकी यही पहचान है कि हमारा अच्छे से भून चुका है। तो और अब हम इसी के साथ ऐड करेंगे 1 कप टमाटो प्यूरी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने प्यूरी कर ली मिक्सी में डाल के। और अब मैं इसमें भी अच्छे तरीके से भून लूँगा। ये देखें टमाटर डाल के मैं इसको इतना भून लूँगा कि तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। ये देखें तेल हमारे दोबारा से सरफेस पर आ चुके हैं। और ये देखें मसाले भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। ये देखें मसाला भी याद रखिएगा। और ये देखें मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहा हूँ, इसलिए मसाले को अच्छी तरीके से भूनना ज़रूरी है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 2 कप पानी। ये देखें पानी मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसी के साथ ऐड करूँगा कोफ्ते। कुछ लोग कहते हैं कि कोफ्तों को फ्राई करके फिर ग्रेवी में डालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है कि कोफ्ते टूट जाते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ऐसे कुछ नहीं है, कोफ्ते नहीं टूटेंगे बिल्कुल और बेस्ट बनेंगे। ये देखें इस तरीके से मैं सारे कोफ्ते डाल दूँगा इस ग्रेवी में। ये देखें हमारा लास्ट पे चला गया। और अब इसे 10 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़िएगा, भूल जाए 10 मिनट तक। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मैं पेंदे को इस तरीके से हिलाऊंगा, लेकिन कोफ्ते को बिल्कुल मत छेड़िएगा क्योंकि टूट जाएंगे, कोफ्ते हमारे कच्चे हैं। भूल जाए 10 मिनट तक कवर करके। अब तक हमारा चूल्हा मीडियम पे था और अब मैं मीडियम लो कर दूंगा। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रहा हूँ और अब मैं इसे मिक्स करूँगा हल्के हल्के हाथ से। और अब मैं इसे कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दूंगा 10 मिनट के लिए और फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें 10 मिनट के बाद मैं फिर ढक्कन हटा रहा हूँ, चूल्हे को करता हूँ बंद। ये देखें कोफ्ता हमारा तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल। और ये देखें और अब आप इसे मिक्स भी कर सकते हैं। और ये देखें कोफ्ते हमारे टूटे भी नहीं। चले हम इसको कोयलों का धुआं दे देते। ये देखें बीच में एक मैं कटोरी रख दूंगा, मेरे पास इस वक्त फॉइल मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं एक कटोरी रख रहा हूँ। और ये एक हम कोयला रख देंगे जिसे मैंने गरम कर लिया, और इसके ऊपर ऑयल की बूंदे टपका लेंगे 300। और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगा 2 मिनट के लिए। अगर आपको कम धुआं पसंद है तो आप 1 मिनट के लिए दे दें, अगर ज़्यादा पसंद है तो 5 मिनट के लिए। मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगा फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें इस तरीके से सुपर डिलीशियस सुपर विथ कोफ्ता कढ़ाई हमारी बन के तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चले अब हम इसे सर्व करें। तो ये देखें ग्रेवी का टेक्सचर कितना परफेक्ट बना, ये देखें। तो चले अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। क्या देखें मैंने कढ़ाई ले ली सर्व करने के लिए, इसमें मैं इसे सर्व कर लूँगा। ये देखें इस तरीके से सुपर डिलीशियस सुपर विथ कोफ्ता कढ़ाई हमारी बन के तैयार है। और ये देखें और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा हरा धनिया। इस तरीके से सुपर डिलीशियस सुपर विथ कोफ्ता कढ़ाई हमारी बन के तैयार है। और मैंने उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर ली जिसने मुझे कमिट किया था, आप भी देखें और बनाएं। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी ये कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।